फिर से लेके आपके लिए ग्रामर एंड टेक्निक्स। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और बहुत ज़्यादा पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे होगा कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो अगर मेरी कल की वीडियो आपने नहीं देखी तो जरूर देख लेना आई बटन पर क्लिक करके, क्योंकि मैंने रियलमी X3 प्रो के बारे में, Realme 5S के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी। तो चलो फिर टेक्निक्स की तरफ चलते। तो पहली टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो आखिरकार जो शाओमी ने अभी चीन में एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की, जिसमें आप जो भी भूकंप होता है तो उसके बारे में पहले से ही आपको पता चल जाएगा 10 सेकेंड से पहले। और ऐसे बताया नहीं अन्य देशों में वो लोग लॉन्च करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन चीन में भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है। टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो आपको पता होगा जो कलर हो 7 तो सब लोग इसका इंतजार कर रहे होंगे फ़ोन में आने के लिए, लेकिन ये 20 नवंबर को आपको पता है चीन में लॉन्च हो चुका है और 26 नवंबर को ये इंडिया में आने वाला है। तो कंपनी ने ऐसा कहा जो ओप्पो रेनो 3 है इसमें आपको कलर हो 7 देखने को मिलेगा और ये 12 5G स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कंपनी ने अभी 26 नवंबर को कलर हो 7 लॉन्च करने वाली है। मैं बात करूँ तो जो MI स्मार्ट ब्रांड 3 है तो आखिरकार वो लॉन्च हो चुका है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये सक्सेसर MI ब्रांड HRX का एडिशन का सक्सेसर है जो MI स्मार्ट ब्रांड 3 है। और अगर इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो ये आपको 1299 रुपये में देखने को मिलेगा। और वहीं अगर मैं इसकी सेलिंग की बात करूँ तो आज से इसकी प्री ऑर्डर स्टार्ट है, तो अगर आप खरीदना चाहते हो इसे खरीद सकते हो और इसकी 20 दिन तक कम से कम बैटरी चलने वाली है, ऐसे शाओमी ने कहा है। की मैं बात करूँ तो अगर आपके पास एप्पल के 11 सीरीज़ के फ़ोन हैं तो उनके लिए अभी एप्पल ने बैटरी स्मार्ट बैटरी केस लॉन्च किए। और अगर इसकी प्राइस की मैं बात कर लूँ तो इनकी प्राइस कम से कम 9,260 रुपये रखी गई है। और कलर की मैं बात करूँ तो आपको ब्लैक वाइट एंड पिंक कलर में देखने को मिलेंगे। इसकी मैं बात करूँ तो जो एयरटेल वोडाफोन और जियो ने भी अपने प्लान्स की बढ़ाने की घोषणा कर दी है, वहीं अब BSNL ने भी अपनी बढ़ाने की घोषणा कर दी। तो आपको बहुत जल्दी प्लान्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे 1 दिसंबर 2019 से, तो ये रूल चालू होने वाला है। टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो Redmi K13 की तरफ से आ रही, तो अभी Redmi K13 दिसंबर में लॉन्च होने वाला आपको पता ही। तो अभी ऐसी न्यूज़ सामने आ रही, आपको साइड में साइड माउंट से आप फिंगरप्रिंट लॉक खोल सकोगे। और वहीं अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें 120:1 डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, तो इससे कंपनी ने कहा। और इसमें आपको 5G का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है, डुअल मोड भी देखने को मिल सकता है। टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो चाइना में Redmi Note 8 Pro की एक और नई वारंटी लॉन्च की है, तो ये 8GB एंड 256GB की वारंटी है। और वहीं अगर मैं प्राइस की मैं बात करूँ तो ये आपको 19,000 रुपये के देखने को मिलेगा चीन में। और ये इंडिया में आएगा नहीं आएगा मतलब तो ऐसा भी कंपनी ने कुछ भी नहीं कहा। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो कलर की आपको इसमें 3 कलर्स देखने को मिलेंगे। बात करूँ तो ओपरा आगे चल के बहुत जल्दी ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम लाने वाला है, जिसमें आप जो भी प्लान करते हो ड्राइवर एंड राइडर्स तो उनके लिए सेफ्टी के लिए बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला है। तो उनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी और कस्टमर में और जो भी ड्राइवर में अगर बेस्ट होती है तो वो रिकॉर्डिंग सुना के वो लोग कर सकते हैं, तो इसके लिए भी वो सेफ्टी के लिए बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं। इसकी मैं बात करूँ तो जो सैमसंग गैलेक्सी S11 है वो भी 120:1 का फ़ोन लाने वाला है वो जल्दी 2020 में। और अगर मैं बात करूँ तो इसमें 60:1 एंड 120:1 रहेगी। अगर आपको 60:1 में देखना तो आप 60:1 में क्लिक कर दीजिए, 120 की ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। अगर आप 120:1 में देखना चाहते तो 60:1 की ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। तो ऐसी न्यूज़ अभी सामने आ रही है, और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर कर देना। टेक्निक्स में बात करूँ तो अगर आपके पास Oppo R17 प्रो स्मार्टफोन है तो आपके लिए खुशखबरी है, अभी इसमें अपडेट जारी कर दिया गया है। इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इसमें कलर ओएस 6 डाल दिया गया और आपको एंड्रॉयड 9 पाई देखने को मिलेगा। तो अभी तक अपडेट नहीं किया तो फटाफट अपडेट कर लीजिए। बात करूँ तो एक और फ़ोन सामने आया Huawei Y6 का सक्सेसर आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, मतलब अपग्रेड वर्जन भी समझ लीजिए Huawei Y6S। तो इस फ़ोन के कुछ लीक सामने आए, तो इसमें 6.1 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी और वाटरडॉक डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और वहीं अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें आपको पीछे 2 कैमरे देखने को मिल सकते हैं। तो अभी ऐसे रूमर्स एंड लीक सामने लग गए। तो अगली टेक्निक्स की मैं बात कर सकता हूँ, जो फोर्टनाइट है आप खेलते ही हुए फोर्टनाइट, तो उसमें 11.20 का अपडेट अभी जारी कर दिया है उन्होंने नया। तो अगर आप फोर्टनाइट खेलते हैं तो फटाफट जाइए और अपडेट कर लीजिए। अगली टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो Nokia 2.2, अगर आप खरीदने की सोच रहे हो तो ये स्मार्टफोन तो बहुत पुराना है, क्या खरीदोगे आप? तो फिर भी मैं बता देता हूँ इस फ़ोन में प्राइस की अभी कटौती कर दी गई है। तो इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो जो 2 GB रैम की है इसमें कम से कम ये आपको 5,999 रुपये में देखने को मिलेगा। और वहीं अगर मैं बात कर लूँ 3 GB रैम की तो ये आपको 6,999 रुपये में देखने को मिलेगा। अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो नोकिया के फैंस के लिए। तो पेटीएम की तरफ सारी, तो पेटीएम के फाउंडर ने कहा है कि मतलब जो CEO है उनका पेटीएम का, तो उन्होंने ऐसा कहा कि जो भी आपके पास SMS आए ब्लॉक योर अकाउंट, अगर आपका पेटीएम अकाउंट बंद कर दिया जाएगा अगर आप KYC नहीं करवाते हो तो आपका प्लान मत, क्योंकि वो लोग फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स एंड बहुत सोच रहे हैं। अगर आपको KYC भी करवाना है तो आप
अपने पेटीएम में जाइए और वहाँ से आप चुन लीजिए जो भी आपका स्टेट लगता है, और वहाँ से आपको अथॉरिटी एजेंट ढूंढ लीजिए और उनके पास जाके KYC करवा लीजिए, क्योंकि ऐसे फेक बहुत चल रहे हैं। और थोड़ा संभल के भी दिया करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और वीडियो देखना है तो मेरे यहाँ पे आई बटन पर क्लिक कर देना, कल की वीडियो तो ज़रूर देख लेना। इसमें बात करूँ, अगर आपके पास रेडमी नोट 5 स्मार्टफोन है तो फटाफट इसे अपडेट कर लीजिए, क्योंकि इसमें अभी MIUI 11 रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, तो अभी तक अपडेट नहीं किया तो फटाफट अपडेट कर लीजिए। और आपके पास अभी तक नहीं आया तो थोड़ा वेट कर लेना, क्योंकि थोड़ा लेट में आता है, किसी में जल्दी आता है। बात करते हो, आपको पता ही होगा जो विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 हुआ था मिशन, तो अभी जो ऐसी न्यूज सामने रही, जो विक्रम लैंडर का हार्ड लैंडिंग हुआ था वो 500 मीटर से पहले ही हुआ था, तो आप सोच सकते हो जो विक्रम लैंडर अभी तो रहे नहीं, तो अभी चंद्रयान 3 के लिए भी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको पता ही होगा। तो बस, और अगर मैं बात करूँ तो अगर मेरी कल की टेक न्यूज़ नहीं देखी तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत कुछ दिया, Realme XT के बारे में बताया, और नया Realme के एडवर्ट्स आने वाले हैं उनके बारे में बताया, और मैंने आपको Realme 5 के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी, तो देख ज़रूर लेना। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और वीडियो पसंद है तो डिसलाइक कर देना, और बहुत ज़्यादा पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे होगा कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो मैं बता दूँ, आज बहुत मामला ही ठंडा पड़ा था, कुछ भी ज़्यादा न्यूज़ थी नहीं, तो फिर भी हमने कर्म कर ही दिया तो न्यूज़ डाल के। तो मैं बता दूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और वीडियो देखने में आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे ज़रूर देख लेना। तो मोर इन्फॉर्मेशन में फॉलो कर सकते हैं जाकर TikTok पे, जादू में बल्ब, वहाँ पे भी हम फनी टाइप में वीडियो डालते रहते हैं। तो बस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, एंड कीप स्माइलिंग।